आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर बरेली जनपद के मिनी बाईपास की है, जहां पर नगर निगम द्वारा चलाई गई इलेक्ट्रॉनिक बस जो अपने चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज होती है, आज अचानक एसी का टेम्परेचर कम होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक कर्मचारी नाइट्रोजन गैस भरते समय बस में रखा सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिसके कारण एक की मौत, दो घायल हुए। सूचना के आधार पर बताया जा रहा है कि ये बस अपने चार्जिंग स्टेशन पर खड़ी हुई थी, जिसमें एसी का तापमान कम होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक कर्मचारी इसमें नाइट्रोजन की पूर्ति कर रहे थे, तब अचानक से सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने जायजा लेते हुए जांच के आदेश दिए। न्यूज 9 भारत के लिए बरेली से मोहित शर्मा के साथ गोपाल स्वरूप पाठक की रिपोर्ट। देखिए, यहाँ चार्जिंग स्टेशन है नगर निगम के इलेक्ट्रिक बसों के लिए। चार्जिंग स्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता रहता है बसों का। और यह एक बस है जिसका एसी जो है वो कम हो गया था, एसी वर्क नहीं कर रहा था, तो गैस कम होने की वजह से गैस भरी जा रही थी, नाइट्रोजन गैस। वह भरते समय यह हादसा हुआ, उसके सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, जिससे एक मैकेनिक की जो इनका इम्पैक्ट था एसएसके उसकी डेथ हो गई और दो लोग घायल हो गए। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी जांच हम कराएंगे, जांच के लिए टीम बनी थी। सर, लापरवाही लगती है? लापरवाही का मामला नहीं, टेक्निकल मामला चल रहा है, इनका टेक्निकल रीजन है जिसकी वजह से हुआ। जांच के बाद परिणाम सामने आएंगे, फिर आपको बताएंगे। के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।